नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 8 में आपका स्वागत है। यहाँ पर क्वेश्चन है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जानते हैं कि दो जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं या किसी दो पूर्णांक के बीच अनेकों संख्याएं होती हैं। हम यहाँ पर इसको लिखें 5/7 और 5 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, पॉइंट लगा करके जीरो लीजिए। 7 7 49 हो गया, 10 से 9 गया 1 आ गया और यहाँ पर पॉइंट है तो आप इसको यहाँ पर लेंगे जीरो। 7 1 7 10 - 7 = 3 एंड पॉइंट है तो आप एक जीरो ले लेंगे। 7 4 20 8 10 - 8 = 2 पॉइंट है फिर जीरो ले लीजिए और 7 2 14 10 - 4 = 6 एंड 1 - 1 पॉइंट है फिर जीरो ले लीजिए। 7 8 56 10 - 6 = 4 एंड 5 - 5 पॉइंट है फिर जीरो ले करके। 7 5 35 10 - 5 = 5 एंड कैंसिल, पॉइंट है जीरो। यहाँ सॉरी 5 आ गया, देखिए ये नंबर 5 हो गया, यहाँ से 5 से स्टार्ट हुआ था और रिमाइंडर मेरा 5 आ गया। मतलब कहने का हो गया कि इस नंबर के बाद ये जितने नंबर डिजिट्स आए हैं इनके बाद फिर 7 1 4 2 8 5 रिपीट होगा, ये एक पैटर्न बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको 0.714285। क्लियर हो गया। अब देखिए 9/11 है, 9/11 को भी आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर आपने 11 पॉइंट ले लिया जीरो, 11 8 88 क्लियर। 10 - 8 = 2 पॉइंट है आप जीरो ले लेंगे और 11 1 11 11 1 11 और यहाँ पर आ जाएगा 9। देखिए आप 9 से स्टार्ट हुए थे फिर 9 आ गया, इसका मतलब है कि 81 0.81 81 81 81 इस तरह का एक पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.81, ठीक है, इस नंबर का पैटर्न बना, इसका भी बनेगा। अब क्या करना है, इसके बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या, मतलब हमें वो संख्या लिखनी है जो संख्या इससे, इस संख्या से बड़ी हो और इस संख्या से छोटी हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच तीन परिमेय संख्याएं, ठीक है, इसको आप इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो नंबर लिखने का तरीका होगा बहुत आसान है, मैं आपको एक अच्छा सा बता रहा हूँ पैटर्न। 0.72 और उसके बाद 7 2 लिख दीजिए, उसके बाद 7 2 लिख दीजिए और उसके बाद 7 और 4 times 2 इस तरह के आप फर्स्ट नंबर लिख लिए। ऐसे ही एक पैटर्न और बना लो, 7 3 7 3 7 3 7 4 3 और इस तरह के नंबर का पैटर्न बन जाएगा, याद करना भी आसान है। और 0.74 7 डबल
7 double 4, 7 triple 4, 7 4 times 4 और इस तरह का नंबर आपका बन जाएगा। इस तरह के अनेकों नंबर बनाते हुए आप यहाँ तक जा सकते हैं। आपसे केवल 3 नंबर्स पूछा है, आप 3 नंबर्स बताएंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आप इसको डिवाइड कर लें, इसके पैटर्न को लिख लें। इन पैटर्न्स इससे ज़्यादा और इससे कम नंबर यहाँ नहीं आना है, इनके बीच की पूछा है, तो इससे आप और ये पैटर्न आप यूज़ करें, आप बहुत आसानी से, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्दी से लर्न कर लेंगे कि 7-2 का पैटर्न था, 7-3 और 7-4 के, इन पैटर्न्स को आप लर्न कर लेंगे। आपको 3 ये जो नंबर इंसर्ट करने हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक आप व्यूज़ दें। थैंक्स टू वॉच।